एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी अंडमान इकाई की ओर से एक इंटरेक्शन विद द प्रेस रखा गया है। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसका उद्देश्य आगामी काल 30 मई मोदी जी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 9 साल का कार्यकाल संपन्न हो रहा है और ये 9 साल के उपलब्धियों के ऊपर आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग रखा है। नमस्कार, राम राम। सबसे पहले मैं इस यूनियन टेरिटरी के अंडमान निकोबार के सभी प्रेस के प्रतिनिधि मित्रों का स्वागत करता हूं, सभी को धन्यवाद करता हूं, सभी का नमस्कार करता हूं, इसलिए कि मैं आपसे पहली बार मुझे मिलने का मौका देने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय और उनकी पूरी टीम, पूर्व अध्यक्ष भी इधर हैं और हमारे इस महाअभियान के इंचार्ज रामदास जी भी हैं, हमारे मीडिया के कन्वीनर हैं और उनकी पूरी टीम। साथियों, जैसे आपने ये प्रेजेंटेशन में भी देख लिया और इस 9 साल की उपलब्धि के बारे में मैं आपसे कुछ बिंदु शेयर करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला 2014 से, आज इनको 9 साल पूरे हो रहे हैं। कल ही प्रधानमंत्री जी ने ही अपने एक वक्तव्य में बताया था कि मैं इस 9 साल को भारत के नवनिर्माण के 9 साल के रूप में देख रहा हूँ और पूरा देश और दुनिया भी इस अंदाज से उसकी अनुभूति कर रही है। विस्तार से अगर मैं एक के बाद एक बिंदु लेता चला जाऊँगा तो मैं आज पूरा दिन ये बात कथा मेरी बता सकता हूँ, अगर मुझे एक दो चीज़ों पे फोकस करना है। जैसे जनधन योजना जब आई तो सबको लगा था कि ये बैंक अकाउंट का मसला क्या है और बैंक अकाउंट खोलने से क्या होता है और इसके पीछे ये सरकार इतना बल क्यों दे रही है। तब लोगों को ये पता नहीं था कि कभी जाके 50 करोड़ लोग भारत की इस अर्थतंत्र के साथ जुड़ेंगे और उस जुड़ने की जब प्रक्रिया का प्रारंभ काल था, शायद आप लोगों को भी उस समय न्यूज़ भी मिले होंगे, मुझे तो कंप्लेन भी मिली थी कि हम अकाउंट खोलवाने के लिए तो लोगों को लेके जा रहे हैं मगर वहाँ 100 रुपया लगता था अकाउंट खोलने का, तो वो 100 रुपया उनके पास नहीं होते थे। ये धरती से आई हुई बात जब हमने प्रधानमंत्री जी से शेयर किया कि हम तो झोंपड़ी से, झुग्गी झोंपड़ियों से मज़दूरों को लेकर जा रहे हैं कि जनधन सभी को खुलाना है करके ले जाते हैं, वहाँ बैंक में जाके ये 100 रुपये का मसला आता है, तो 100 रुपये नहीं थे।
तो वहाँ से हमारे वित्त मंत्री ने जनधन योजना के लिए जीरो बैलेंस से भी अकाउंट खोलने का निर्णय करके सभीों को अकाउंट में जोड़ने का प्रारंभ किया। इससे एक मैसेज ऐसा गया था कि ये जीरो बैलेंस से जो अकाउंट खुल रहे हैं वो तो एक प्रकार से बैंक को कार्यभार बढ़ाने का काम है, उसमें तो कुछ लेन देन तो है ही नहीं। आज मैं आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जनधन अकाउंट में जो हमारे देश के साधारण नागरिकों ने अपने अकाउंट खोल के जो डिपॉजिट लगाई है वो 90,000 करोड़ रुपये को क्रॉस कर गई है। आप कल्पना कीजिए, 90,000 करोड़ रुपये भारत के आम आदमी के पास से, साधारण आदमी के पास से, भारत के श्रमिक के पास से आकर हमारी इकोनॉमी का हिस्सा बन गया। ये राशि कई राज्यों के बजट से बढ़िया है। तो ये इस प्रकार से छोटे कार्यक्रमों को लेते वक्त कई बातों में लोगों को पहले समझ नहीं आती थी। जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि हम टॉयलेट बनाने का कार्यक्रम पूरे देश में लेंगे, स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे, तो बहुत लोगों ने उसका हंसी मजाक उड़ाने का भी प्रयास किया था कि प्रधानमंत्री होकर ऐसी टॉयलेट की बात, और वो भी लाल किले की प्राचीर से कर रहे हैं। मगर आज मैं जब आपसे बात शेयर कर रहा हूँ अंडमान के मेरे साथियों के बीच में, तो मैं गर्व से बता सकता हूँ कि 11 करोड़ टॉयलेट पूरे देश में भारत सरकार के इस कार्यक्रम के तहत लग चुके हैं, और इनके तहत हमारी मातृशक्ति की गरिमा और गौरव बढ़ाने का बहुत बड़ा काम पूरे देश में हो गया। और एक बड़े ही अभद्र दृश्य जो देखने को मिलते थे उनसे हमारी मातृशक्ति का गौरव बढ़ा दिया। और इसी के चलते एक नया सामाजिक सोच बदल गया कि ये अब अनिवार्य हो गया है, ऐसा करके समाज ने भी एक्सेप्ट कर लिया और पूरे देश ने एक जन आंदोलन के रूप में इसको एक्सेप्ट कर लिया। हमारे प्रधानमंत्री जी के कालखंड में आपदाओं ने भी मुकाम किया। ये कोरोना का संकट पूरे विश्व को ग्रसित कर गया, पूरा विश्व आज भी इसके मार से उबरने के प्रयास में लगा हुआ, आज की डेट में भी मैं कह सकता हूँ। मगर आज पूरी दुनिया में एक बात तय हो गई है कि कोरोना का मैनेजमेंट जिस प्रकार से भारत में हुआ वो विश्व के किसी देश में नहीं हुआ, इस प्रकार की बात आज दुनिया मान रही है। और जैसे पहला ही फिगर अपने 200 करोड़ वैक्सीनेशन का देखा तो वो अपने आप में एक अजूबा है। ऐसे इतना वैक्सीनेशन करना ही एक प्रकार का हिस्टोरिक माइलस्टोन है, और बनाना भारत के वैज्ञानिकों का बनाना, हमारा इंडिजिनस वैक्सीन का होना, वो भी इस कालखंड में भारत की कई महान उपलब्धियों में उसको गिना जाएगा। क्योंकि अभी तक इस मसले में हम वेस्ट की ओर देखते रहते थे, कभी कुछ आ जाएगा। आप सब भी जानते हैं जब ये कोरोना का संकट शुरू हुआ था तो वैक्सीन के बारे में ही सारी डिबेट चलती थी, कौन देगा, कैसे देगा, कौन इनका खर्च करेंगे। कई कई महापुरुष तो उसके बारे में बहुत आगे बढ़ चढ़ कर बोलते थे, हमको आज़ादी दे दो, हम बाहर से खरीद लेंगे, भारत सरकार को मुफ्त में देनी चाहिए, और लगाएंगे तो नपुंसक हो जाएंगे। ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे सुझाव उसे बड़े एक अभियान को गुमराह करने की भी कोशिश कर रहे थे। मगर आज मुझे इसका जिक्र करना नहीं है। मगर जब हमारे ही वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाते हुए मोदी जी ने उनकी पीठ थपथपाकर उनको इस अभियान में सफलता दिला दी, तो हमारे देशवासियों को बचने का तो साधन मिला ही मिला, मगर दुनिया के कई देशों को, नागरिकों को बचाने का, संबल देने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की ओर से हुआ। जब भारत ही किसी की ओर देखता रहता था इसके बजाय कई देश के प्रमुखों ने, कई देश के नेताओं ने मोदी जी से गुहार लगाई कि मोदी जी हमको दो। और मैं आपको बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूँ कि दुनिया की किसी भी महासत्ता ने इस कोरोना की महामारी में छोटे छोटे देशों को मदद करने से वो कोताही बरती हैं, उसमें भारत सरकार ने और मोदी जी ने आगे बढ़कर उन लोगों की मदद करने का कोशिश किया था। यहाँ जो एक दृश्य आपने देखा होगा अभी इस वीडियो में, जहाँ मोदी जी को एक नेता झुककर उसको प्रणाम कर रहा था, उसका अभिवादन कर रहा था, उसकी वजह ये मेडिकल सहायता थी। उस संकट की घड़ी में
कोई इनको मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहे थे, उसी समय मोदी जी ने उनको मदद करने का आश्वासन दिया था और मदद पहुंचाने का काम भी किया था। ऐसे काम के चलते, और मैं एक दो ही उदाहरण आपके सामने, आर्थिक जो हमारे देश का परिदृश्य था वो तो आप अभी बड़े बड़े तौर पे सुन ही रहे हैं कि हम विश्व की पांचवी अर्थसत्ता बन गए और उसी में हमारा इंटरनेशनल जो हमारा मान बढ़ गया है वो अलग चीज़ है, मगर व्यवस्था में जो बदलाव आया, अब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक और एक किसान के अकाउंट में पैसे का जाना, मैं खुद किसान, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि भारत में कोई एक सरकार आएगी, उसमें कोई उनका एक मुखिया होगा, वो बटन दबाएगा और मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। अध्यक्ष जी, मैं एक कार्यक्रम में मोदी जी के साथ मंच पर था, दूसरा या तीसरा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लॉन्च करने का कार्यक्रम था जी सर, मैं उस कार्यक्रम में हम मंच शेयर कर रहे थे, कार्यक्रम चलते चलते मोदी जी को सूचना मिली कि आप बटन दबा के इस किसान सम्मान निधि को आप लॉन्च करें, तो मोदी जी ने बटन दबा दिया, वो लॉन्च हो गया, वो ऊपर फिगर भी दिखाई दिए कितने जा रहे हैं, वो सारा देखते रहते, कार्यक्रम चलता रहा, प्रवचन होते रहे। अब मैं मंच से नीचे नहीं उतरा था तब तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो किसान जुड़े हुए थे उनके मैसेज आ गए कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं। साथियों, मैं ये इसलिए जिक्र कर रहा था कि एक समय था जब प्रधानमंत्री जी को ये कहना पड़ता था कि मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूँ, वो गांव में पहुँचते पहुँचते 15 पैसे हो जाते हैं। ये एलिगेशन करने के लिए आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एक प्रधानमंत्री की वो पीड़ा थी, वो देख रहे थे मगर कुछ कर नहीं पा रहे थे, उस पीड़ा का हल हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने निकाल दिया और आज दिल्ली से रुपया निकलता है वो सीधा श्री सभा होते हुए गांव में पंचायत के अकाउंट में पहुंचता है, किसान के अकाउंट में पहुंचता है। 2.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के अकाउंट में जमा हो गए, 2.5 लाख करोड़ रुपया। मैं आपको एक छोटा सा फिगर आपकी जानकारी के लिए शेयर कर रहा हूँ, मेरी विद्वता दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। अकेला 9 से 14 तक, इसके पूर्व के 10 यूपीए सरकार के जो 10 साल थे मनमोहन सिंह जी की सरकार के, वो 10 साल के कृषि विभाग का कुल बजट 1,17,000 करोड़ था, टोटल बजट ऑफ द एग्रीकल्चर फॉर 10 ईयर्स, 10 साल का बजट 1,17,000 करोड़, इट्स ऑन रिकॉर्ड। और मोदी जी के द्वारा 2.5 लाख करोड़ तो किसानों के अकाउंट में जमा कर दिए, बजट की बात की चर्चा करने का बात अलग है, 10 साल के बजट की जितनी अमाउंट थी उससे दोगुनी रकम तो किसानों के अकाउंट में, वो भी ट्रांसपेरेंटली, किसी को कहीं जाना नहीं है, किसी को कहीं कुछ करना नहीं है, सीधे ही उसके अकाउंट में चले जा रहे हैं। ये कुछ बातें मेरे विभाग रिलेटेड भी मुझे आपसे कहनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने ही इस पूरे कोस्टल बेल्ट को देखते हुए, फिशरीज क्रियाकलाप को देखते हुए, फिशरमैनों को देखते हुए, और हमारी इतनी पुरानी पारंपरिक ये व्यवसाय होने के कारण इस डिपार्टमेंट को स्वतंत्र डिपार्टमेंट बनाने का निर्णय भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ, वरना उनका मंत्रालय नहीं था। एनिमल हस्बेंड्री को भी स्वतंत्र मंत्रालय बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लिया गया। ये दोनों मंत्रालय स्वतंत्र बनने के कारण इनका फोकस बदल गया, अब मंत्रालय बना दिया। उसके लिए भी मैं एक फिगर सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगा, 47 से आज़ादी के काल से, जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हमारे बंधारण के अनुसार चल पड़ा, तब से लेकर 14 तक फिशरीज सेक्टर में भारत सरकार की ओर से 3,680 करोड़ रुपये का व्यय हुआ, 47 से 14 तक।
3680 करोड़ रुपए का टोटल व्यय हुआ। ये विभाग स्वतंत्र करने के बाद हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक योजना इस विभाग के लिए लागू की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, अकेली 20,000 करोड़ की योजना, 20,050 करोड़ की एक योजना। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए लैंडिंग सेंटर हो, हार्बर हो, होल्ड चेन हो, इनका मार्केटिंग लिंकेज हो, इन सबको सुधार करने के लिए 8,000 करोड़ का अलग से एक फंड निर्माण किया FIDF करके। और इन दोनों को चलते हुए जब हमारे डिपार्टमेंट की ओर से हम पूरे देश में इसका काम कर रहे थे, तो इसी साल हमारे वित्त मंत्री जी ने इसमें और 6,000 करोड़ का प्रावधान करके हमको और इजाफा देते हुए इस क्षेत्र को मजबूत करने का काम किया। ये फिगर 47 से 14 तक का 3,680 करोड़ के टोटल व्यय के सामने में ये फिगर आपके सामने रख रहा हूँ। इन चीज़ों को आप जब देखेंगे सुनेंगे तो और भी कि ऐसे कितने ही बिंदु हैं, छोटे छोटे बिंदु हैं, मगर आप जानेंगे तो बड़ी आपको भी ताजुबी लगेगी। 14 में हमारे देश में 2 मोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी और 99% हमारा मोबाइल का जो इंस्ट्रूमेंट थे वो हम सारा इंपोर्ट करते थे। अब 200 से अधिक कंपनियां प्रोडक्शन में आ गई हैं। एप्पल ने 1,00,000 लोगों को हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट दे दिया, उन्होंने यहाँ अपना कारोबार शुरू कर दिया। सैमसंग ने भी इधर कर दिया, वीवो ने भी इधर कर दिया। और आज इस एक साल में, पिछले वित्तीय एक साल में 9 बिलियन डॉलर के अकेले मोबाइल हमने एक्सपोर्ट कर दिए। जहाँ 2 मोबाइल कंपनियाँ थी, हम एक भी मोबाइल बाहर से, और मोबाइल मतलब हम तो यही मानते थे वो तो इम्पोर्ट ही करने की चीज़ है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ ही नहीं है। आज 9 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इसके जरिए हम कर पाए और 750 को क्रॉस कर गई है। एवर हमारा जो एक्सपोर्ट था उनको अभी तो 770 लेटेस्ट फिगर जो मिल रहा है US डॉलर, इतने बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इसी साल हमने क्रॉस करके कर दिए। आप देखते होंगे एयरपोर्ट, 74 एयरपोर्ट 14 में ऑपरेशन में थे, अब 140 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गए हैं। रेलवे के लिए उनके ट्रैक का बनना, इलेक्ट्रिफिकेशन का होना, ट्रेनों का, और जो आप देख रहे हैं वंदे भारत वगैरह, मेरे से भी ज़्यादा आप सब जानते हैं, इसलिए इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। मगर रेलवे स्टेशनों की स्वच्छता आज प्रत्येक भारतवासी इसकी प्रशंसा कर रहा है, सभी को देखने को लगता है कि ये भी अभी कुछ साफ सुथरी रखने की व्यवस्था सरकारी संस्थानों को भी हो सकती है और उसमें रेलवे स्टेशनों में भी हो सकती है। ऐसा जिस प्रकार का कारोबार अभी हमने करके रख दिया है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी के बनने के बाद, पहले तो कई सालों से निलंबित था, एजुकेशन का पॉलिसी ही नहीं था, मगर अब एजुकेशन पॉलिसी बन गई, 7 IIM बन गए, नए 7 IIT बन गए, 15 AIIMS बन गए, 209 मेडिकल कॉलेज बन गए और 320 नई यूनिवर्सिटियां और 5,000 से ज़्यादा नई कॉलेज हैं इस 9 साल के अंदर मोदी जी के दिशा निर्देशों पे हमारे देश में आकार ले रही हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि कल ही आप सब लोगों ने देखा भी और यहाँ भी आपने देखा कि पार्लियामेंट का नया संसद भवन का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो गया और 30,000 पंचायत घरों को नया बनाने के साथ साथ नया पार्लियामेंट का भवन बनाने का एक बहुत ही हिस्टोरिकल काम मोदी जी के कालखंड में उपलब्ध हो गया। पूरी दुनिया में आज मोदी जी जिस प्रकार से नेतृत्व कर रहे हैं और पूरी दुनिया इनको जिस प्रकार से आदर दे रही है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप सब लोगों ने जिस धैर्य से मेरी बातों को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए
हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।